इंडिया च बनेगा जी, वो शूट पाकिस्तान भी होगी तो उस चीज़ का ना साढ़े आर्टिस्टों को भी फायदा होएगा, साड़ी इंडस्ट्री में फायदा होएगा, इंशाल्लाह कंटिन्यू चलेगा। पहला तो यह कि थिएटर असं करते हैं, थिएटर तो पता जो ड्रामा रिकॉर्ड होता ना फिक्स कैमरे लग जाते हैं, वो जिन्हें थिएटर का वाया होंगे उन्हें तीन चार कैमरे लग जाते हैं, ड्रामा रिकॉर्ड हो जाता है। ये सिखलाई जो मैं अपने उस्ताद ही कहूँगा आफताब साहब भी, आफताब इकबाल, उन्हें बहुत कुछ सिखाता मैं 8-9 सालों के कैमरे के बारे कुछ चीज़ा। बाकी जो काम किया है ना कि चढ़ते पंजाब ना पंजाब की इंडस्ट्री के ना, इन्होंने बहुत कुछ सिखा दिता उस कैमरे का दसन, मतलब कुछ चीज़ ऐसा होंगे जो सानू सच्ची उच्च नहीं पता होना कि तुहाड़ी भाजी लाइट कट रही है, तुहाड़ी लाइट कि हैगी, तुहाडा कैमरा कहड़ा है, जो कैमरे तुहाडी लुक की है, वो डायरैक्टर या राइटर या नाल एमी भाजी है अमरिंदर गिल जी जिन्हें साडे भरा ने जिवें उह थोड़ा उन्होंने गाइड भी किया है, जिवें अमरिंदर गिल नूं या उन्होंने सारिआं नूं थोड़ा असीं गाइड किया ना कि जुगत की होंगी, गल किवें करनी होंदी, थ्रो किवें करनी, जो साडे कोल सी असीं उन्हां नूं दस्सिआ, जो इन्हां कोल सी इन्हां सब दस्सिआ, ते इस तरह काम चल रहा। बाकी शूट साडी मतलब जिहड़ी फिल्मां कीतीआं ने वो सारिया यूके ही हुई, यूके च हुई ने, तो हूँ मैं दसा भी मेरे भरा का सैकंड प्लैन ने कहा कि एक फिल्म जी प्रोड्यूस कर रहे वो पाकिस्तान से इंडिया के होगी शूट, इधर भी होगी उधर भी होगी। सेम हरमंदर सिंह क्यों चल रहा बार बार सुपने पूरे क्यों चलिए, सो एक मतलब इंडिया के पहले 10-15 मिनट का था, तो जब खान साहब आ गए हैं तो 5-7 सवाल कट्ठे पूछे थिएटर के ना जी जोड़ी हैगी ना कमिस्ट्री वो बड़ी हैगी दोवे की ना, कम अज कम 3-4 साल तो ना असं बहुत सारे इकट्ठे करैक्टर किए करैक्टर जो असं इकट्ठे किए ना ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਯਾਰ ਬਸ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਨਾ ਐਵੇਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸੀਨ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਨ ਨੇ गोडे गुडे छिले गए, पैर छिले गए, कोई जगह पैर के निशान दिखाने सन, घंटे मेकअप हो रहा है, बूट लाए ला सकते तू मेकअप कर लगा, तो कहना पहले वेख लै मेरे वाले सही ने ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਵੀ ਆਣ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਲੈਦਾ ਬਣਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਵੀ ਆਣ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੁਖੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, अगर साड़ी किसी फिल्म च एमी भाजी का या मनिंदर का अगर एक गाना चलता है या दो गाने चलते हैं तो मैं समझना कि यह फीता कटने वाली गल पता नहीं हूँ, सानू तो पता नहीं कि इस फिल्म कि बंद ने स्टे लिया फिल्म के खिलाफ, अब आप अदालत में स्टे ले सकते, तो कुछ चीज़ा जड़िया ना उसे गवर्नमेंट की एक मेहरबानी हुई कि उन्होंने देखा है कि सैलमे पहले सैलमे तो भरी है ना, लोग तो आम ना
चल मेरा पुत पार्ट टू पाकिस्तान के लगी उन्हें रिकॉर्ड बिजनेस कर दिता है चली हुई फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया है दसवां वीक है दसवां वीक दसवें वीक फिल्म चल रही है अपनी मां बैठ के अपनी धी अपनी भैन भी बैठ के वेख सकते हो कोई ऐसी गल नहीं है कि सारिया फिल्म वेखिया ने चेक कीतिया ने हम पाकिस्तान बच्चे बच्चे जा रहे फिल्म वेखने लिए चल मेरे को पार्ट टू हम सारी दुनिया सिर्फ यह वजह है कि इस टाइम अच्छा चनोटी साहब तो खान साहब यह दसो कि तुम कंटिन्यू जो फिल्म बना रहे हो मिल गए हूँ तो वो बारे तुम स्टेज न एक साइड से तो नहीं कर दोगे जितों तुहाडी इमेज बनी अच्छा मैं तुम्हें दसना इस गल का कि मैं थिएटर थिएटर का साढ़ेगा कि मैं अगर कोई बंदा कहे ना प्रोड्यूसर कहे या आफ्ताब साहब कह कि थिएटर छड़ दे तो यह खबरदार कर लिया मैं खबरदार छा मैं थिएटर कभी नहीं छा थिएटर जी ना साड़ी डिसीजन है कि साड़ी जान है असी थिएटर से जो थिएटर पंद्रह बीस दिन का असं गैप भी पा दी ना तो असं बीमार रहने अपना होंगे भी 50 करोड़ करके तो 50 करोड़ लै गया जो प्रोड्यूसर 5 ला के तो इतने बाहर जड़े एन आर आई बैठे होंगे वो इंडिया फोन करते हैं 10 करोड़ मैं पता मेरे ना बनाई एक तो उतो अगों फिर चौधरी टक्कर ना कोई ना कोई कहना आते सही पुत्र आंदे नहीं छिल देंगे वो कहना कहना करोड़ कहने वापस पाता कहने गुआता कहने गुआता 50% कर लो भाजी हालांकि 50 करोड़ बहुत वाला बिजनेस होंगे वह 30% भी बहुत ज्यादा होंगे भाजी 12 करोड़ रुपये किसी फिल्म ने करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं खा लाई तो इस फिल्म की गल इस फिल्म की इन्नी गल है कि मैं आप मेरी सोच है कि ना कि मैं मतलब कि अपने बच्चों को भी कहूँगा कि अपने बच्चों को जरूर खाना साढ़े प्यों चल मैक्सीको चलीए जी पूरी कास्ट अज दुबई मौजूद है साढ़े नाल जफरी खान पाकिस्तान के सुपरस्टार वो मौजूद ने और उन्होंने को जाणांगे क्योंकि हर बंदा बहुत ही एक्साइटेड सी साढ़े नाल इस फिल्म नू लैके और बड़ी एक दर्द भरी दास्तान है तो बहुत वड्डा मैसेज है तो अज की कहना चाहो इस फिल्म से तुहानू देख के क्या किस तरह फीलिंग असीं तो पिछले 5-6 महीने तो इस फिल्म के बारे कह रहे हैं अभी चूंकि नाल साढ़े बह के देखी तुम दसो तुम्हें की फील होया मूवी के बारे इस तरह की तो फिल्म मैं समझदा कि यह बहुत पहले तैयार हो जानी चाहिए थी लेकिन यह बहुत टाइम लग्या क्यों टाइम लग्या मैं पहले भी कहा यह पंजाबी इंडस्ट्री की एक रुख चेंज करने वाली मूवी है ठीक है इस मूवी की सिर्फ लैंग्वेज पंजाबी है बाकी ये सैट फ्रेमिंग यदि हर चीज़ जी है ना वो एक हॉलीवुड मूवी टच कर रही है ठीक है असं चूंकि पंजाबी मूवी देखते रहने पाकिस्तानी भी बॉलीवुड की भी लेकिन नाजरीन एक दफा तुसी आना है ते मुड़ के फिर तुसी बार बार आना है मतलब सुपर हिट फिल्म है तुसी की समझो मैं कि ये फिल्म देखने तो बाद मेरे ख्याल से कोई बंदा भी या कोई वालदैन अपने बच्चे नू डोंकी वास्ते तैयार नहीं करेंगे ते एग्री हो तुसी डेफिनेटली मैं कहना कि अगर ये फिल्म वेख के या साडी हालत वेख के अगर कोई 2-4-5 बंदे 10 बंदे भी अगर ये इस काम तो बाज आ जाए तो वह साढ़े कहते हैं सदका जा रही है सही सदका जा रही है तो एक एक फिल्म नहीं गई एक नेकी गई है एक नेकी हैगी है जिहड़ा जिहड़ा इहनू वेख लवे जिहड़ा जिहड़ा इहदे ते अमल कर लेगा तो मैं समझांगा कि उहदे माँ प्यो भी सुखी तो आप भी सुखी सही है तो पेरेंट्स वास्ते की मैसेज दोगे कि आपने इहो ही कि बई तुसी अगर बच्चा उहदे ते ज़्यादा सख्ती नहीं करनी अगर उहनू बेचारे नू इत्थे कोई काम शुरू करा देना मिल जाए अपने अपने मुल्कां च हाँ ताकि उह तुहाडी औलाद तुहाडी अखां दे सामने रहे सही ऐसे पैसों का की फायदा कि एमी बेचारा फिल्म च घर ही नहीं पहुँच सके थैंक यू सो मच गाइज़ तुम आए हो फिल्म वेखन आज मैक्सीको चली तो प्रीमियर होकर हटेगा जी दुबई के तो उम्मीद करते हैं तुम सारे चंगी लगी होगी जिन्हें भी मीडिया पहुंचा अभी मीडिया का भी थैंक्स करते हैं तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय के भी तुम चंगी मतलब फिल्मों प्रमोट करोगे तो जिनी असं मेहनत करा तो वो रास आऊगी थोड़े जरिए तुम लोगों तक चंगा एक मतलब लोगों तक मैसेज पहुँचाओ कि सारे जने फिल्म जाके देख असी मेहनत करिए सारे थोड़ी बारी थैंक यू सो मच आज आ मैक्सीको चलिए रिलीज़ हो गई फिल्म का प्रीमियर एशिया के दिल दुबई में हुआ फिल्म अपने नाम की तरह दुनिया भर के नौजवानों के बर आज़म अमेरिका तक पहुँचने की जदोजहद की कहानी बयान करती है इस सफ़र में मारूफ पंजाबी अदाकार एमी विर्क नासर चनियोटी और जफरी खान मरकजी किरदारों में नज़र आते हैं इस मौके पर अदाकार एमी विर्क ने फिल्म देखने आने वाले शायकीन का शुक्रिया अदा किया उन्होंने फिल्म की तशहीर में तावन करने पर मीडिया का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया सज्जाद अकबर खान दुबई